आप अपने फेवरेट मूवी सीरियल्स शोज देखना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो फेवरेट मूवीज हैं, शोज हैं, सीरियल्स हैं, ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। कभी होता ऐसे है कि हम अपने फेवरेट मूवी को यूट्यूब पे सर्च करते हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन हमको क्या होता है कि यूट्यूब पे वो मूवीज मिलता ही नहीं है। होता ऐसे है कि YouTube पे वो मूवी अवेलेबल ही नहीं रहता है, तो हम पहले ही कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो फेवरेट मूवी है वो YouTube पे अवेलेबल है या कोई और OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो इसके लिए Google ने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपकी जो फेवरेट मूवीज है, सीरियल है, शोज है, ये कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वो आप उस मूवीज को फ्री में देख पाएंगे या उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या आपको उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तब आप उस मूवी को देख पाएंगे। आप सब उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देख पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर ले, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अभी तक आपने हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर ले। तो आइए इसके लिए चलते हैं हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसके लिए सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर्स को ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो आप लैपटॉप में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च यूआरएल है, इस पे टाइप करेंगे आप व्हाट टू वॉच करके। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सवाल उठता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है शोज एंड मूवीज, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है चूज कंटेंट टाइप। आप यहाँ से आप अपने कंटेंट को चूज कर सकते हैं। अगर आप शोज देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, अगर आप मूवीज देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, अगर आप दोनों को कंबाइन देखना चाहते हैं कि हमें दोनों का रिजल्ट एक साथ ही प्रेजेंट करे शोज और मूवीज के, तो आप इस पे क्लिक करते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट इस पे क्लिक रहता है। तो चलिए मेरे केस में मैं मूवीज देखना चाहता हूँ तो मैं मूवीज वाले पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम मूवीज वाले पे क्लिक करते हैं, वॉट टू वॉच जो है कि मूवीज की जो लिस्ट है उसको शॉर्ट लिस्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट करता है। और इसको जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ स्लोट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे मूवीज है, इसमें कहीं भी शोज नहीं है, कहीं पे भी आपको कोई सीरियल आपको देखने को नहीं मिलता है, ये सारे के सारे मूवीज है। तो मूवीज हमारे सामने लाकर रख देता है। अब सवाल उठता है कि गूगल ये जो रिजल्ट ला रहा है ये कहाँ से ला रहा है। तो ये जो गूगल हमें प्रेजेंट कर रहा है ये OTT प्लेटफॉर्म से हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। OTT प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, तो कौन कौन से OTT प्लेटफॉर्म से ये रिजल्ट लाकर हमें दे रहा है, तो आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रोवाइडर्स। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट में मिल जाता है डिजनी प्लस हॉटस्टार, दूसरा है हमारे पास नेटफ्लिक्स, तीसरा है हमारे पास सोनी लाइव। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यू शैल ऑल्सो सी कॉन्टेंट अवेलेबल फॉर फ्री रेंट और परचेज फ्रॉम दीज प्रोवाइडर्स। आप यहाँ से उस कॉन्टेंट को आप देखेंगे जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो हम आपको इसमें वो भी बताएंगे कि आप फ्री में जो अवेलेबल है आप उसको कैसे देख पाएंगे, उस मूवीज को कैसे सर्च करेंगे इस प्लेटफॉर्म में ताकि आप फ्री के मूवी भी देख पाए। रेंट पे आप ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, यानी कि रेंट पे लेना, परचेज करना होता है, सब्सक्रिप्शन लेना वो कर सकते हैं, या पार्टिकुलर आप कोई मूवी को देखना चाहते हैं तो उसके लिए बाई करना पड़ता है उस मूवी के लिए, तो उसको कैसे बाई करेंगे हम वो भी बताएंगे आपको इसमें, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोवाइडर आपको मिलता है बूट, आप यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। और एक आपको मिलता है यहाँ पे यूट्यूब, यूट्यूब से भी आपको ला के देगा। और यहाँ पे एक और प्रोवाइडर्स हैं गूगल्स प्ले मूवीज एंड टीवी, आपको यहाँ से जो कि रिजल्ट है वो लाके आपके सामने प्रेजेंट करता है। सपोज मैं यहाँ पे ये जो प्रोवाइडर्स है तो इसमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक कर दिए,
अब इसके बाद हमने मूवीज सेलेक्ट किया है, तो अब यहाँ पे कौन से मूवीज आप देखना चाहते हैं उसके भी ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए, अगर आप एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो केवल एक्शन मूवी ही ये आपके सामने प्रेजेंट करेगा। अगर आप बॉलीवुड मूवी देखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आप रोमांटिक मूवी देखना चाहते हैं तो देखिए रोमांस का ऑप्शंस मिलता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप केवल नेटफ्लिक्स पे देखना चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे कौन कौन से अवेलेबल है तो आपको उसका ऑप्शंस मिलता है। अगर आप यूट्यूब के तरफ जाना चाहते हैं कि यूट्यूब पे कौन कौन से मूवी इसमें से अवेलेबल है जो रिजल्ट आपको लाके दे रहा है, तो आप इसके भी ऑप्शंस मिलते हैं। और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और ढेर सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पे जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं ये यही आपको रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे। तो चलिए हम इसमें से कोई सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम रोमांस को ही ले लेते हैं। इसको जैसे चूज करते हैं तो हमारे सामने जो रोमांटिक मूवी है जो लव पे आधारित है वो मूवी हमारे सामने प्रेजेंट करता है। आप देख पा रहे हैं इसमें से कोई भी मूवी मान के चलिए अगर मुझे देखना है तो हम इसे कैसे देख पाएंगे, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ये मूवी ले लेते हैं कबीर सिंह। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, और हम इसको क्या करेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे। जैसे हम नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कबीर सिंह की जो बैनर है यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर सिंह। आप देखिए प्ले ट्रेलर्स ऑन यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब देख पे इसकी मूवी की ट्रेलर देखना चाहते हैं तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन कबीर सिंह मूवी आपको यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है वॉच नाउ, कहाँ पे नेटफ्लिक्स पे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसको देखने के लिए तो डायरेक्ट ये आपको नेटफ्लिक्स वाले पेज पे ले जाएगा, और आप यहाँ से चाहे तो इसके सब्सक्रिप्शन लेके इस मूवी को आप देख सकते हैं। ये अभी कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे है, नेटफ्लिक्स पे है, तो आप वहां से आप इस मूवी को देख सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं और यहाँ पे और कुछ आप डिटेल देखना चाहते हैं कबीर सिंह के बारे में तो वो भी आपको मिलता है। थोड़ा सा आप इसको नीचे ऊपर से नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे रेटिंग मिल जाती है कि किसके द्वारा क्या रेटिंग दी गई है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा इस मूवी को 1.5 की रेटिंग दी गई है। अगर और आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं इस मूवी के बारे में तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप इसको रीड कर सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम बैक चलते हैं। जैसे हम बैक आते हैं मूवी के लिए और हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई दूसरा ऑप्शन, जैसे बॉलीवुड का ऑप्शन है हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम बॉलीवुड पर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा हमने क्या सेलेक्ट किया है मूवी, तो ये हमें कौन सी मूवी का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, बॉलीवुड और रोमांस, दो मूवी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो उसी दो के ऑप्शन ये हमें लाके प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर सपोज मुझे ये मूवी देखनी है तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मूवी का थोड़ा सा हम इसे नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे तो यहाँ पे इस मूवी के बारे में आ जाता है कि ये मूवी जो बाला मूवी है ये कहाँ पे कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो देखिए ये जो अवेलेबल है डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, वॉच नाउ आप यहाँ से देख सकते हैं फ्री में। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया था नेटफ्लिक्स के पेज पे चला गया था, वैसे ही आप इस पे यहीं पे क्लिक करेंगे और यहीं से आप इस मूवी को देख पाएंगे वो भी फ्री में। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए IMDB के तरफ से इसको 7.4 की रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 10 में। अगर इसके बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे इसके बारे में आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मिलते हैं आपको। कोई एक बॉलीवुड मूवी को ले लेते हैं जैसे की एन का है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो और इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लाएंगे तो देखिए ये जो है आपको इसका जो ट्रेलर्स है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं ये तो ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ₹25 देने पड़ेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको यूट्यूब पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप इस मूवी को यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्रोवाइडर्स हैं इनके OTT प्लेटफॉर्म पे जितने भी फ्री के मूवी शोज सीरियल्स अवेलेबल है आप केवल उन्हीं को देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, इसके भी ऑप्शंस मिलते हैं। वहां पे आपको पेड वर्जन आपको शो नहीं करेगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे हम अन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप हम यहाँ पे आएंगे और
इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फ्री, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल जो है हमारे सामने उन मूवीज को शॉर्टलिस्ट करके प्रेजेंट करेगा जो कि इन प्लेटफॉर्म पे फ्री में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मूवीज क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पे मूवीज सेलेक्ट किए हैं और फ्री में है। कौन कौन से मूवीज हमें हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, बॉलीवुड और रोमांस, हमने ये दो मूवीज का जो कैटेगोरीज है हमने उसको सेलेक्ट किया है, तो इसलिए हमें उसी टाइप के मूवी को हमारे सामने शो कर रहा है। तो चलिए इसमें से कोई एक को हम ओपन करके देखते हैं कि वाकई इस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री वाले हमने सेलेक्ट किया है ये उस तरह से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये मूवी का नाम है दे दे प्यार दे, और यहाँ पे देखिए ये जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको मिल जाएगा, फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पे वॉच नाउ, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और आप यहीं पे इस मूवी को देख पाएंगे। और जैसा कि मैंने रेटिंग की बात की थी तो यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल जाता है, और डिटेल आपको देखना है तो इसको नीचे स्लॉट करके आप देख सकते हैं। चलिए हम इसमें से कोई दूसरा मूवीज को सेलेक्ट करते हैं कि वाकई ये सही रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा ले हम इसमें से, चलिए हम इसी को ले लेते हैं। इसको जैसे हम ओपन करते हैं और इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे। जैसे हम इसे नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ये मूवी देखने को मिल जाता है सनम रे, और ये मूवी यहाँ पे भी फ्री में अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो आप इस तरह से अगर इस प्लेटफॉर्म पे जो भी फ्री के मूवीज अवेलेबल है आप उसे देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सोज में हमें क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, पहले हम इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। देखिए क्लियर ऑल का ऑप्शंस मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सोर्स का ऑप्शंस मिलता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस प्रेजेंट करेगा। इसमें वो चीजें आएगी, इसमें आपको सोर्स के अंदर में आपके सीरियल्स होंगे, वेब सीरीज होंगे, वो सब चीजें आपको यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो इसमें से आप चाहें तो ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप पार्टिकुलर नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और इस पे यहाँ नीचे करेंगे तो और ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सोनी लाइव का ऑप्शंस मिलता है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो सोनी लाइव पे जो सीरियल जो वेब सीरीज प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, और इसमें से कोई भी हम एक सीरियल को ओपन करके देखते हैं। जैसे हम इसी को ओपन करते हैं, जैसे हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद हम इसको नीचे की तरफ स्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इस सीरियल का नाम है और आप इसको देख पाएंगे। वॉच नाउ का ऑप्शंस मिलता है और फ्री लिखा हुआ है, फ्री में देख पाएंगे आप सोनी लाइव पे। तो आप यहाँ से इस सीरियल को आप देख पाएंगे, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अलादीन है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, चलिए हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं तो देखिए यहाँ पे मिल जाता है अलादीन, और यहाँ पे देखिए ये सोनी लाइव पे है और ये आपको फ्री में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से इसको भी देख पाएंगे। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल पेड और अनपेड, यानी कि सब्सक्रिप्शन वाले और फ्री वाले, दोनों टाइप की आप मूवीज, वीडियोज, सीरियल्स, वेब सीरीज आप यहाँ से देख पाएंगे। अब आपको अलग अलग जगहों पे जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से आप देख पाएंगे कि आपके पसंदीदा सीरियल्स, आपके पसंदीदा मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।